हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं एमस्ट्रॉन्ग नंबर प्रोग्राम। तो एमस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है उसे समझते हैं। सबसे पहले तो मैं जितना लॉजिक बताने वाला हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए जो भी मैं अभी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए। आप लोगों को उस लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लिखता हूँ 153। ओके, 153 मैंने लिखा है। अब मैं लिखता हूं 1 का क्यूब, उसके बाद क्या है, 5 है, 5 का क्यूब और 3 का क्यूब। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए कि 1 का क्यूब क्या होगा। आप लोगों को पता है 1 का क्यूब नॉर्मली 1 होता है, 5 का क्यूब नॉर्मली 125 होता है। मैं उसे भी यहां लिख देता हूं। देन 3 का क्यूब होगा 27। ये है 3 का क्यूब। क्यूब कैसे निकालते हैं, 1 × 1 × 1 करना पड़ेगा, 5 × 5 × 5 करना पड़ेगा, 3 × 3 × 3 करना पड़ेगा। अच्छा, मैं काम करता हूँ, इनकी एडिशन भी कर लेता हूँ। जितने नंबर्स थे मैंने उनका क्यूब निकाला, अब मैं उनकी एडिशन भी करता हूँ। अच्छा, तो एडिशन करने के बाद 5 और 7 3, 2 2 4 एंड 1 5, मतलब 153, मतलब 153 ही मिला। मतलब मैंने जिस नंबर का क्यूब निकाला सबको सेपरेट कर करके सारे डिजिट्स को, और उसके बाद उसकी एडिशन कर दी तो 153 मिला। इसे ही कहा जाता है एमस्ट्रॉन्ग नंबर। हमारी एक आउटपुट स्क्रीन है, मान लीजिए ये मैंने एक आउटपुट स्क्रीन बना ली है। ओके, अब इसके अंदर, आउटपुट स्क्रीन के अंदर एक पहला मैसेज दिखना चाहिए, जैसे एंटर अ नंबर। एंटर अ नंबर दिखना चाहिए ताकि यूजर कोई नंबर एंटर करने की कोशिश करेगा। ऐसे यूजर मान लो एंटर करता है 153, तो एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, इट इज एमस्ट्रॉन्ग नंबर। अच्छा, लेकिन अगर 153 ना एंटर करे, 128 कर दे या फिर 121 कर दे, तो 121 अगर वो करता है यहां पे, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, देन 121, 1 का क्यूब 1 ही होगा। मतलब इसकी एडिशन करने पे तो 10 हो रहा है, तो 10 तो 121 के इक्वल नहीं है ना। तो 121 के सारे डिजिट्स को हमने सेपरेट किया, उनका क्यूब निकाला, उनकी एडिशन की, हमें 10 मिला, तो मैच नहीं हुआ, तो इट इज नॉट एमस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इस तरह से मैसेजेस प्रिंट होने चाहिए, या तो एमस्ट्रॉन्ग नंबर या तो इट इज नॉट एमस्ट्रॉन्ग नंबर। तो उसी तरह से प्रोग्राम में हमें एक पहला मैसेज देना पड़ेगा, एंटर अ नंबर, ताकि यूजर कोई नंबर एंटर करे। मतलब स्कैनर पे लिखना पड़ेगा और इस नंबर को किसी मेमोरी में रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना, उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि 3 सेपरेट हो जाए, देन 5 सेपरेट हो जाए, देन 1 भी सेपरेट हो जाए, ताकि मैं 1 का क्यूब कर पाऊँ, 5 का क्यूब कर पाऊँ और 3 का क्यूब भी कर पाऊँ, बाद में उन्हें ऐड कर दूँ। अच्छा, तो सेपरेट करेंगे कैसे। सेपरेट करने के लिए एक बहुत ही आसान लॉजिक है जो मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, एक बात आप लोग याद रखो कि अगर आपके पास एक नंबर है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 153 ही ले लेते हैं, 153, तो मैंने यहाँ लिखा है 153। इस नंबर को अगर मैं डिवाइड करूँ 10 से, 10 से डिवाइड करने के बाद 10 वन 10 होगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 5, तो आपको 3 की जरूरत पड़ेगी, 3 ले लेता हूँ। 10 फाइजा 50, 50 हो गया, मतलब अभी लास्ट में क्या मिला, रिमाइंडर 3। अच्छा, मतलब मैंने लास्ट वाला डिजिट सेपरेट कर लिया है। मतलब किसी भी नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, सॉरी मॉड करना पड़ेगा, डिवाइड करने पे तो हमें ऊपर वाला पोर्शन मिल जाता है। मैंने इवन और ऑड का भी एक लेक्चर इसके पहले अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि अगर हम मॉड करते हैं 153 मॉड 10 अगर करूं तो मुझे मिलेगा 3, तो इसका रिजल्ट आएगा 3। लेकिन अगर मैं 153 डिवाइडेड बाय 10 अगर करता हूं तो मुझे मिलेगा
15, तो मतलब इसका रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 15। मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं पहले तो इसे हटा दूँ एक बार, तो मैं प्रोग्राम को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ वॉइड मेन, हमेशा हमारा प्रोग्राम वॉइड मेन से स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ वॉइड मेन। अब मैं पहला मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे दिखना चाहिए, एंटर अ नंबर, तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ लिख देता हूँ एंटर अ नंबर, ताकि यूज़र कोई नंबर एंटर करे। अच्छा, यूज़र ने एंटर किया होगा कोई नंबर, मान लेते हैं वो 153 ही उसने एंटर किया होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ परसेंट डी, ताकि वो 153 एंटर कर पाए। उसे रख लेता हूँ एक मेमोरी में ए नाम की। अच्छा, मतलब 153 इस समय है ए के पास, तो ए के पास 153 है, तो मैं एक काम करता हूँ, उस ए को मॉड करता हूँ 10 से, मुझे मिल जाएगा 3। उसे रख लेता हूँ बी नाम की मेमोरी में, कर सकते हो ऐसे। ओके, अच्छा अब 3 तो मिल गया हमें, अब मुझे चाहिए बीच वाला डिजिट 5। 153 में 3 हो चुका है, अब मुझे चाहिए 5। मतलब मुझे ये करना है कि सारे डिजिट को सेपरेट सेपरेट मेमोरी में रखना है, ताकि मैं उनका क्यूब निकाल सकूं। तो अब मुझे 5 चाहिए, तो मुझे 3 को हटाना पड़ेगा। यहां पे लिखता हूं सी इज इक्वल टू, अच्छा क्या करना है, ए डिवाइडेड बाय 10। अच्छा, ए को 10 से अगर डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, ए है हमारा 153, 153 को 10 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे क्वेश्चन 15 मिल जाएगा, जो मैंने सी में रख लिया है, तो सी के अंदर तो हमारे पास है 15। अच्छा, अब 15 को मैं यहां लिखता हूं सी मॉड 10। 15 मॉड 10 अगर मैं करूं, तो आप लोगों को पता है मॉड करने के बाद 15 का 5 मिल जाएगा। उसे रख लेता हूँ डी नाम की मेमोरी में, एक और मेमोरी बना लो डी नाम की, जिसमें मैंने रख लिया 5, मतलब 5 भी मिल चुका है। अच्छा, देखते हैं कैसे मिला है। मैंने एक मेमोरी बनाई है ए नाम की, एक बनाई है बी नाम की, एक बनाई है सी नाम की, एक डी है, एक ई है। तो जो ए है वो ये है, ये बी है, मान लेते हैं ये सी है, ये डी है, और ये यहाँ पे ई है। अच्छा, मैंने अब देख लेते हैं कि ए में क्या रखा है। ए में हमने जो भी यूजर से एंटर किया था वो रखा था, मॉड करने के बाद हमें मिला 3, उसे रख दिया बी में। ए में रखा था 153, जब हमने मॉड किया तो हमें 3 मिला, उसे रख दिया हमने बी में, 3 की जरूरत है हमें। बाद में मैंने ए डिवाइडेड बाय 10 किया, मतलब 153 डिवाइडेड बाय 10 मुझे मिला। इस समय जब मैं 153 को डिवाइड करूंगा 10 से, तो मुझे 15 मिलेगा, वो मैंने सी में रखा है, सी में मैंने रख दिया 15। बाद में 15 को मैंने 10 से मॉड किया तो मुझे मिला 5, जो मैंने डी में रखा 5। और बाद में सी में क्या, ई में क्या रखा है, मैंने यहाँ लिखा है सी डिवाइडेड बाय 10। सी को अगर 15 को डिवाइड करोगे आप 10 से, तो आपको 1 मिलेगा, 1 को मैंने रखा है ई में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। अच्छा, मुझे जरूरत किसकी किसकी, इसकी इसकी और इसकी, 153, मतलब सबको सेपरेट कर लिया है। मतलब मुझे लिखना पड़ेगा ई इंटू ई इंटू ई, ये वाला सेक्शन ई वाला, मतलब 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, मतलब मुझे लिखना पड़ेगा डी इंटू डी इंटू डी। उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा बी इंटू बी इंटू बी। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो तो 153 आने वाला है, 1 का क्यूब 5 का क्यूब। उसे रख लेते हैं किसी और मेमोरी में, एफ नाम की मैं एक मेमोरी बना लेता हूँ, मतलब मैंने एफ के अंदर इस समय रखा है 153 को। तो प्रोग्राम में भी आप ऐसे कर सकते हो, प्रोग्राम में आप लिख सकते हो क्या क्या लिखना वो देख लेते हैं। ई डी और बी,
ई इंटू ई इंटू ई प्लस डी इंटू डी इंटू डी प्लस बी के अंदर भी हमारा आंसर है बी इंटू डी इंटू बी। ओके सेमी कोलन। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये ब्रैकेट्स दे देता हूँ ताकि सब सेपरेटली पहले मल्टीप्लाई हो, वैसे भी मल्टीप्लीकेशन पहले होता है, और ये इस तरह से ब्रैकेट्स दे देता हूँ। ये मैंने ब्रैकेट्स तो दे दिए हैं, अभी आप लोग देख सकते हो मैंने ब्रैकेट्स भी दे दिए हैं। अच्छा इसे एफ नाम की मेमोरी में रख लेता हूँ, एफ नाम की भी नहीं बनाई, सारी मेमोरीज मैं एक ही बार बनाऊंगा अभी यहाँ पे। ओके अब हमारे पास, मैं ऐसे यूजर को बोलता हूं कि इफ यदि हमने 153 रखा एफ के अंदर भी आंसर आया हमारा एफ इक्वल टू जो भी यूजर ने एंटर किया था वो था ए में, ए के मतलब यूजर 153 इक्वल टू 153, क्या अगर वो इक्वल है, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ करने के बाद आंसर हमारे पास 153 आ रहा है वो तो इक्वल है, अगर इक्वल है तो प्रिंट एफ इट इज एम स्ट्रॉन्ग। मैं सिर्फ लिख देता हूं एम स्ट्रॉन्ग, ओके। उसके बाद अगर इक्वल नहीं मिला, मैं अगर 121 इंटर करूंगा तो आंसर तो अलग आएगा, तो एल्स वाला सेक्शन चलेगा, नॉट एम स्ट्रॉन्ग प्रिंट एफ। बहुत छोटा सा लॉजिक मैंने आप लोगों को बताया है, ये बहुत इजी तरीके से ये प्रोग्राम समझाने की कोशिश की है। मेरे पास और दो तीन टाइप्स के लॉजिक है, मैं एक लॉजिक अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि दूसरे लॉजिक से कैसे करना है, उसके पहले मुझे व्हाइल आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, व्हाइल लूप क्या है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग व्हाइल देखेंगे। और इसके साथ साथ अभी इसे मैं सबसे पहले तो मेमरी भी बना लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ सिर्फ मेमरीज कौन कौन सी लगेंगी हमें। इंट एक ए लगने वाली है, देन बी देन सी देन डी देन ई देन एफ। ओके सारी मेमोरीज भी बना ली है। अच्छा मैं इसे कंपाइल करता हूं, तो ये हमारा कंपाइल हो चुका है, मैं एंटर करता हूं 153 पहले तो आ रहा है एमस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके अच्छा एक काम करता हूं, मैं दूसरा कुछ एंटर करता हूं जैसे 12 या फिर 123, इट इज नॉट एमस्ट्रॉन्ग नंबर, दिख रहा है आप लोगों को नौ नॉट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेलिंग में एम स्ट्रॉन्ग नहीं लिखा है, तो इसे एम स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, मतलब कोई एरर भी नहीं है, प्रॉपरली हम लोगों ने प्रोग्राम को चेक कर लिया है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ 370 भी लिख के चेक कर लेता हूँ, 370 तो ये भी आ रहा है एम स्ट्रॉन्ग नंबर। तो इस तरह से प्रोग्राम करना है। एक तो आप लोग पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाऊं और वो सब आप तक पहुंच सके, और मैं बहुत क्वालिटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं प्रॉपर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको क्या है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं ऐसे हैं कि जो बहुत मुश्किल होता है समझना। मैं भी कुछ वीडियोस देखता था जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते थे, इसके लिए मैंने सोचा मैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं लेकिन उन्हें उस तरह का कंटेंट नहीं मिल पा रहा है और उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी सीखने में, तो इसके लिए मैंने इन वीडियोस को हिंदी में बनाना शुरू किया ताकि हिंदी में प्रॉपर तरीके से आप लोगों को सारे कंसेप्ट प्रॉपरली समझ में आए। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, ये मेरा नंबर है जिस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक, और आप मुझे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।